बदागर शहर में सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान श्री परशुराम जी की जन्म उत्सव पर विशाल भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं सम्मिलित हुई है। शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। बड़नगर परशुराम मंदिर शनि गली से यात्रा का प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई। इस भव्य शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के समस्त पुरुष सफेद वस्त्र में दिखाई दिए हैं और महिलाएं पीले वस्त्र में दिखाई दी। ब्राह्मण समाज के समस्त पुरुष एवं महिलाएं देवी देवताओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। इस भव्य भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का नगर में कई जगह फूलों से भव्य स्वागत किया है। शोभा यात्रा में कई महिलाएं पुरुष एवं बच्चे नाचते हुए दिखाई दिए हैं। शांति वाटिका में भगवान परशुराम जी की महाआरती उतारी गई है। उसके पश्चात शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले सभी महिलाएं पुरुष ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया है। प्रेमचंद द्वितीय ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए कहा कि भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज बड़नगर शहर में समस्त ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है। यह ब्राह्मण समाज के सभी के नेतृत्व में हुआ है। इस शोभा यात्रा में जो ब्राह्मण समाज की महिलाओं की उपस्थिति हुई है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब ब्राह्मण समाज जाग चुका है। वही ब्राह्मण समाज के डीपी भाई जी ने भी मीडिया के सामने ये कहा कि आज यह जो समस्त ब्राह्मण समाज का जनसैलाब शोभा यात्रा में आया है, यह समस्त ब्राह्मण समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। संवाददाता राधेश्याम साफरा की रिपोर्ट। बड़े खुशी की बात है कि 24वां अवतार भगवान परशुराम जी का हुआ। परशुराम जी के वंशज हमारे 24 ब्राह्मण शाखा है, उनके सभी संगठनों के माध्यम से महिलाओं पुरुष इस भव्य चल समारोह में पधारे, जिससे आज बड़नगर में एक दिशा निर्देश मिला पूरे जिले को कि बड़नगर में जो सर्व ब्राह्मण समाज का संगठन है, आज परशुराम जी के माध्यम से आज विशाल संख्या में यह सिद्ध बताया कि भगवान परशुराम के प्रति श्रद्धा और अपूर्व जो एक संगठन शक्ति है, जो अभी वर्तमान में जो एक शक्ति चलाई जा रही समाज में, ये भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से बड़नगर तहसील में हमेशा से आयोजन होते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में आयोजन थोड़ा स्थगित हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बड़नगर ब्राह्मण समाज की एक राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय जो 25 समुदाय है उनकी बहुत बड़ी बस्ती है। गाँव में, शहर में, तहसील के 190 गांवों में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें ब्राह्मण नहीं रहते हो। ऐसी स्थिति में भगवान परशुराम का एक साल में जयंती का कार्यक्रम होता है, सामूहिक नेतृत्व से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, सभी ब्राह्मण जनों का सहयोग रहा और उसकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान परशुराम जी का ये इस तरीके का कार्यक्रम प्रतिवर्ष हो। और देखा आपने, और ये जो चल समारोह था हमारा, जो भव्य चल समारोह था, उसमें महिलाओं की उपस्थिति ये दर्शाती है कि अब ब्राह्मण समाज जागृत हो चुका है और अपने समाज की उन्नति के लिए, और जैसे कि अन्य समाज भी आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ब्राह्मण जो जनरल कोटे में आते हैं उनकी कई समस्याएं हैं, लेकिन जब ऐसा संगठन बनेगा ऐसे आयोजनों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों की समस्याएं हल होगी। और ब्राह्मण वैसे ही मस्तक है, सिरमौर है, और ब्राह्मण कई लोगों को, कई वर्गों को दिशा देता है, और वो दिशा देते देते स्वयं भूल गया था, लेकिन ऐसे आयोजन होने से ब्राह्मण अब स्वयं जागृत हो गए। और ये जो आज का जो चल समारोह दर्शाता है कि अब ब्राह्मण जागृत हो चुके हैं, अब अपनी समस्याओं के लिए खुद लड़ेंगे, लेकिन परशुराम जी की तरह लोगों का अहंकार समाप्त करके अपने परमार्थ से शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से लड़ेंगे। मेरा नाम प्रेमचंद द्वितीय है और मैं ब्राह्मण समाज का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं, और इस कार्यक्रम में सामूहिक रूप से जो जिम्मेदारी थी उसमें एक व्यक्ति एक समर्थन के रूप में था, बाकी समूह के रूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ।